जब भी बिहार के फेमस फूड की बात की जाती है तो उसमें लिट्टी चोखा को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि यह बिहार की एक पारंपरिक डिश है जिसे लोग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच में बड़े ही चाव से खाते हैं। हालांकि लिट्टी चोखा अब सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, और मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो मैं तो इस रेसिपी को कई तरीके से बनाती हूँ, जिसमें से मैं दो तरीके की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और साथ ही बनाऊंगी बैंगन का चोखा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो गोलाकार के बैंगन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसे कट कर लिया है। कट करके देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पकाने के बाद पता चलता है कि हमारी मेहनत पूरी खराब चली गई। और साथ ही ले लेंगे 4 टमाटर, इसे हम गैस पर रोस्ट करके पकाएंगे। पारंपरिक तरीके से बैंगन का चोखा गांव में चूल्हे में पकाकर बनाया जाता है, पर शहरों में चूल्हे कहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे गैस पर रोस्ट करके बनाएंगे। चूल्हे की खुशबू तो नहीं आएगी पर टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। इसे हम गैस पर अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे। इसी तरीके से टमाटर को भी हम ऐसे ही भून लेंगे और इसके भी छिलके हम उतार लेंगे। वैसे तो गांव में इसे बिना फ्राई किए हुए बनाया जाता है, चोखे को फ्राई नहीं किया जाता है, पर हम आज इसे फ्राई करके बनाएंगे। टमाटर और बैंगन को रोस्ट करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जब जीरे का कलर चेंज हो जाए तो थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ी सी काली सरसों, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और 1 बड़ा प्याज, जिसे हम बारीक काट के ही डालेंगे। जितना हम बारीक काटेंगे चोखे में उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भीगे हुए काले चने। वैसे तो चोखे के अंदर हरे मटर डाले जाते हैं, लेकिन फ्रेश हरे मटर अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए मैंने काले चने डाले हैं। वैसे फ्रोजन वाले भी मटर डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट उससे अच्छा नहीं आता है। जब ये अच्छे से पक जाए काले चने, तब उसके अंदर टमाटर डाल देंगे जो हमने पकाया था आग पर। इसे भी डालकर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम रोस्ट किया हुआ बैंगन भी डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च को भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है पहले। अब हम इसके अंदर चोखे का टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे 1 चम्मच सांबर मसाला। वैसे तो इसके अंदर मैगी मसाला डालकर सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आप एक बार सांबर मसाला डालकर बनाकर देखिए क्या स्वाद आएगा। आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे और आप इसे जरूर बनाएंगे। हमारा चोखा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालना ऑप्शनल है, लेकिन सरसों का तेल ऊपर से डालने से जो सरसों के तेल का आरोमा होता है वो बिल्कुल गांव के टेस्ट की याद दिलाता है। तो आप इसे, अगर आप कच्चा तेल खाते हैं तो जरूर डालिएगा। फिर इसे ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करिए और हमारा चोखा तैयार है। अब हम लिट्टी की तैयारी करते हैं। इसके लिए पहले हम आटा गूंदेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े कप गेहूं का आटा, 1 बड़े चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक, और इसको हम मिक्स करके इसके अंदर हम मोयन डालेंगे। मोयन भी अक्सर लोग रिफाइंड ऑयल से करते हैं या घी से करते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर दूध की मलाई डाली है। इसके अंदर 8 बड़े टेबल स्पून हम मलाई डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये क्वांटिटी में लगभग 50 ml के आसपास होगा। इसे हम चम्मच से मिक्स कर देंगे, फिर इसे हम हाथ से मसलते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसे हम अपनी हथेली में बांध कर देखेंगे। अगर मुट्ठी में बंध जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे आटे के अंदर मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार करेंगे। आटा ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लूज आटा गूंदेंगे तो उसके अंदर तेल ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, और अगर टाइट होगा तो खाने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है। लिट्टी मैं दो तरीके से बनाने वाली हूँ, एक तो फ्राई करके और दूसरा
नमक में रोस्ट करके। दोनों ही लिट्टी का स्वाद अमेजिंग लगता है। क्या आप जानते हैं कि लिट्टी को सर्वाइवल फूड कहा जाता है, क्योंकि ये कई दिनों तक खराब नहीं होता। अगर हम इसके अंदर लहसुन और प्याज ना डालें तो लगभग इसे 10 से 15 दिनों तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। हमारा आटा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी स्टफिंग सत्तू की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप चने का सत्तू, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ 1 प्याज, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, और साथ ही थोड़ा सा नमक। नमक हम इसमें अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि हमने आटे में भी थोड़ा सा नमक डाला है। 2 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च और 1 चम्मच कच्चा तेल, सरसों का तेल, और 1 बड़े चम्मच नींबू का रस। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो नींबू की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और 1 चम्मच कोई सा भी अचार हो उसका मसाला ले लीजिए। इसे अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अचार का मसाला डालने से सत्तू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सत्तू को मिक्स करते हुए ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप इसे ट्रेवल में कहीं बनाकर ले जाते हैं तो पानी का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से मैश करेंगे। इसके अंदर जो हमने प्याज डाला है ये इसी के पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसका स्टिकी होना भी जरूरी है, नहीं तो अगर हम लिट्टी के अंदर पाउडर फॉर्म में ही इसे स्टफ कर देंगे तो खाते समय सत्तू गिरता रहता है। इसीलिए इसके अंदर तेल और लेमन जूस या अचार का मसाला इसीलिए डाला जाता है, ताकि ये सत्तू फैले नहीं। और तेल मसाले का तो अपना अलग ही टेस्ट होता ही है। इसे हम अच्छे तरीके से लिट्टी में स्टफ कर देंगे। अगर हम फ्राई वाला लिट्टी बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि बिल्कुल भी इसके अंदर क्रैक ना रहे। अगर लिट्टी के अंदर क्रैक रहेगा तो फ्राई करते हुए इसके अंदर तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा या सत्तू बाहर भी फैल सकता है। एक एक करके हम सभी लिट्टी को ऐसे ही स्टफ करेंगे। लिट्टी को 2 शेप में बनाया जाता है, एक तो गोल और दूसरा चपटा। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे में बना रहे हैं या फ्राई करके बना रहे हैं तो गोलाकार की लिट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगर आप इसे रोस्ट करके तवे पर बनाएंगे तो फ्लैट कर देने से अच्छे से कुक होता है। मैं लिट्टी को दोनों शेप में बनाऊंगी। मैं पहली लिट्टी बना रही हूँ नमक में रोस्ट करके। इसके लिए एक तवे पर पहले मैं इसे सेक लूंगी। तवे पर पहले सेक लेने से अच्छे तरीके से नमक में ये रोस्ट होता है। अगर हम तवे पर इसे रोस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नमक में डाल देंगे तो नमक इसके ऊपर चिपक जाएगा और काफ़ी खाने में सॉल्टी हो जाएगा। और इसे अगर हम तवे पर सेक कर डालेंगे तो ये नमक के टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट होगा और इसके ऊपर नमक चिपकेगा भी नहीं। नमक में रोस्ट करने में लगभग हमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर निकलने की जगह होनी चाहिए। अगर हम पूरा ही कवर करके पकाएंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर की वजह से ये जल्दी रोस्ट नहीं होगा। नमक में अच्छे तरीके से रोस्ट होने के बाद लिट्टी को एक कपड़े पर रखेंगे और इसे हम हिलाते हुए और रब करते हुए इसका हम एक्स्ट्रा जो नमक है उसे हम निकाल लेंगे। फिर इसे आप या तो घी में डिप करके सर्व कर सकते हैं या आप इसके ऊपर हल्का सा घी लगा सकते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लिट्टी खाना पसंद है। अब हम दूसरे तरीके से लिट्टी को बनाते हैं। दूसरे तरीके की लिट्टी बनाने के लिए मैंने लोई को गोल ही रखा है, इसे चपटा नहीं किया है, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करते हैं तो इसका जो कलर आता है बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। आप जब भी ट्रैवलिंग के लिए इस लिट्टी को बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा फ्राई करके ही ले जाएं, क्योंकि फ्राई करके लिट्टी बनाने से ये तो एक सॉफ्ट भी बनता है और 2-3 दिनों तक खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है।
इसे हम गर्म तेल करके इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आप जब डीप फ्राई कर रहे हो तो कोशिश करिए कि इसे सरसों के तेल में फ्राई करें, क्योंकि सरसों के तेल में लिट्टी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे जैसे लिट्टी हमारी पकती जाएगी, इसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाएगा। जब धीरे धीरे आंच पर हम इसे पकाएंगे और इसके अंदर क्रैक आना स्टार्ट होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी लिट्टी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारी लिट्टी में। अब ये हम लिट्टी को ऑयल में से निकाल देंगे और फिर हम दूसरा बैच डालकर इसी तरीके से हम उसे फ्राई कर लेंगे। लिट्टी से रिलेटेड क्या आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। लिट्टी का इतिहास हमारे भारतीय इतिहास के संग जुड़ा हुआ है। लिट्टी का इस्तेमाल 1857 की लड़ाई के समय सैनिकों को खाने के लिए दिया जाता था, क्योंकि लिट्टी को कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, ये खराब नहीं होता है और ये पचने में भी बहुत हल्का होता है, तो इसीलिए सैनिकों को बनाकर इसे दिया जाता था। और आज के समय में भी हमारा जो ये लिट्टी है, भारत में ही नहीं बल्कि अब तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है।